हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडटेक जावेद पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी पार्ट टू। इससे पहले हमने देखा था मेडिकल टर्मिनोलॉजी पार्ट वन में, जिसमें हमने बेसिक जो होता है प्रीफिक्स सफिक्स जो रूट होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, जो कि बेसिक होता है, और कुछ एग्जाम्पल भी हमने डिस्कशन किए थे। उसी तरह आज हम आगे बढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी पार्ट टू के लिए। इसमें सबसे पहले आता है सुपीरियर, जो कि अबो। जब भी हम अबो वाला इस्तेमाल करते हैं तब हमें मेडिकल टर्म में सुपीरियर यूज़ करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सुपीरियर वेना कावा, जो कि एक हार्ट का पार्ट होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो कलेक्ट करता है, इसलिए हमने इसको सुपीरियर वेना कावा कहा। इसी तरह इंफीरियर बिलो, जो नीचे वाले हिस्से को हम इंफीरियर कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल उसमें इंफीरियर वेना को। आप कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं जो कि नीचे से हम डिस्क्राइब करते हैं तो इंफीरियर हमें यूज़ करना है। तो इंफीरियर वेना को जो हार्ट का नीचे वाला हिस्सा होता है, जो कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है। इसी तरह मीडियल, जो कि मिडल और सेंटर जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं तो हमें मीडियल यूज़ करना है। तो उसके लिए जो एग्जांपल होता है वो है मीडियास्टिनम हम यूज़ करते हैं। लैटरल यानी साइड वाला हिस्सा जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको लैटरल यूज़ करना है। जब भी हम मेडिकल टर्म में यूज़ करेंगे साइड में तो हम लैटरल कहेंगे। उसी तरह प्रोक्सिमल, जो कि नियर जो पास वाला हिस्सा होता है उसे हम प्रोक्सिमल कहते हैं। डिस्टल, जो कि फार जो दूर वाला हिस्सा होता है उसे हम डिस्टल कहते हैं। उसी तरह कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कशन करेंगे। एक्टोमी यानी जो कट करते हैं या फिर रिमूव करते हैं, सर्जिकल रिमूव करते हैं, तो उसको हम एक्टोमी कहते हैं। तो उसी तरह कुछ एग्जांपल्स जैसे कि अपेंडेक्टोमी, अपेंडिक्स एक ऑर्गन होता है, जब भी उसको हम रिमूव करते हैं तो कि उसको हम अपेंडेक्टोमी कहते हैं। उसी तरह टॉन्सिलोक्टोमी, टॉन्सिल एक ऑर्गन है छोटा, उसे हम कट करते हैं, सर्जिकल रिमूव करते हैं, तो उसको हम टॉन्सिलोक्टोमी कहते हैं। उसी तरह एडेनोइडेक्टोमी, जो कि एडेनोइड हम रिमूव करते हैं, सर्जिकली रिमूव करते हैं, उसको हम एडेनोइडेक्टोमी कहते हैं। इसी तरह पॉलीपेक्टोमी। तो आगे दोस्तों लाइसिस, लाइसिस यानी ब्रेकडाउन और डिस्ट्रक्शन। जो भी प्रोसेस होते हैं जो ब्रेकडाउन करते हैं उसको हम लाइसिस कहते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइसिस बहुत जगह हम कहते हैं, जैसे कि हार्ट पेशेंट जो होता है उसको थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, जो कि हार्ट अटैक पेशेंट को हम थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, जो कि क्लॉट रिमूव हो जाए इसलिए हम थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक लाइसिस, ऑटोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, जो भी रिडक्शन करते हैं उसको हम लाइसिस कहते हैं। उसी तरह पैथी, पैथी यानी अबनॉर्मल कंडीशन होता है, जहाँ पे भी हम एबनॉर्मल देखते हैं उसको हम पैथी यूज़ करते हैं, जैसे कि न्यूरोपैथी। न्यूरो यानी नर्व, पैथी यानी एबनॉर्मल, जो नर्व्स में एबनॉर्मलिटी होती है उसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। उसी तरह रेटिनोपैथी, रेटिना एक पार्ट होता है आई का, जब वहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटीज होती है तो उसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं। कार्डियोमायोपैथी, कार्डियो यानी हार्ट, मियो यानी मसल्स, पैथी यानी एबनॉर्मल, तो कार्डियोमायोपैथी यानी जो हार्ट का मसल एबनॉर्मल होता है उसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। उसी तरह नेफ्रोपैथी, जो किडनी को हम नेफ्रो कहते हैं, यानी कोई भी किडनी में एबनॉर्मलिटी होती है उसको हम नेफ्रोपैथी कहते हैं। उसी तरह लास्ट वाला जो कि है जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन, तो कोई भी फॉर्मेशन होता है, न्यू फॉर्मेशन होता है उसको हम जेनेसिस कहते हैं, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म जब प्रोड्यूस होता है उस फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, तो वहाँ पे जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन। उसी तरह ओजेनेसिस, एग जब फॉर्मेशन होता है फीमेल में तो उसको हम ओजेनेसिस कहते हैं। तो ये कुछ वर्ड हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी जेनेसिस यानी फॉर्मेशन होता है तो हम उसको लगा सकते हैं। तो इसी तरह ये कुछ एग्जाम्पल हो गए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।